1909 में आज के दिन भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का मुंबई में जन्म हुआ था। उनके पिता जहांगीर भाभा ने कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की थी और एक जाने माने वकील थे। होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने देश के परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की ऐसी मजबूत नींव रखी जिसके चलते भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की कतार में खड़ा है। मुट्ठी भर वैज्ञानिकों की सहायता से परमाणु क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य शुरू करने वाले डॉक्टर भाभा ने समय से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और विभिन्न क्षेत्रों में उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में उस समय काम शुरू किया जब अविच्छिन्न श्रृंखला अभिक्रिया का ज्ञान नहीं के बराबर था और नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की कल्पना को कोई मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने कॉस्केट थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रतिपादन करने के साथ ही कॉस्मिक किरणों पर भी काम किया जो पृथ्वी की ओर आते हुए वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारत के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के पहले अध्यक्ष भी थे। 1922 में बेनिटो मुसोलिनी इटली के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। मुसोलिनी इटली के एक राजनेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय फासीवादी पार्टी का नेतृत्व किया। ये फासीवादी के दर्शन की नींव रखने वालों में से प्रमुख व्यक्ति थे। 19 साल की उम्र में बेनिटो इटली से भागकर स्विट्जरलैंड गए। वहां वे मजदूरी करते और साथ ही रात को समाजवादियों से मिलते जुलते और समाजवाद का अध्ययन करते। वहां से लौटकर कुछ समय तक सेना में कार्य किया। इसके बाद घर लौटकर उन्होंने समाजवादी आंदोलन में भाग लेना जारी रखा और साथ ही वो पत्रकारिता में लग गए। 1912 तक वे समाजवादी दल के मुख्य पत्र आवांती के संपादक बन गए। 1919 को मुसोलिनी ने अपने ढंग से राजनीति में एक नए संगठन को जन्म दिया। इस दल का नाम था फांसी दी कंबातिमेंती। इसमें उन्होंने उन्हीं लोगों को लिया जो 1914 में उनके विचार के थे। इस दल में मुख्यतः भूतपूर्व सैनिक शामिल हुए। देश इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए तैयार था क्योंकि समाजवादी कमजोर थे, भूतपूर्व सैनिकों में बेकारी फैल गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था और लोगों में अंतरराष्ट्रीय समाजवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई थी और यही वजह थी कि मुसोलिनी धीरे धीरे शक्तिशाली होते गए। 1928 में आज के दिन ब्रिटिश भारत में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा और रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। पूरे भारत में साइमन गो बैक के गगनभेदी नारे गूंज रहे थे। इस कमीशन के सारे ही सदस्य गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने किया। नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारियों ने साइमन विरोधी सभा और प्रदर्शन का प्रबंध संभाला था। जहां से कमीशन के सदस्यों को निकलना था वहां भीड़ ज्यादा थी। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उप अधीक्षक सैंडर्स जनता पर टूट पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों ने अत्याचार देखा लेकिन लाला जी ने शांत रहने को कहा। लाहौर का आकाश ब्रिटिश सरकार विरोधी नारों से गूंज रहा था और प्रदर्शनकारियों के सिर फूट रहे थे। इतने में स्कॉट स्वयं लाठी से लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटने लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गए और आखिर में उन्होंने जनसभा में सिंह गर्जना की कि मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वे भारत में ब्रिटिश शासन के कफन की अंतिम कील साबित होंगी। 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को यही लाठियां लाला लाजपत राय की शहादत का कारण बनी और 1990 में बॉलीवुड अभिनेता विनोद मेहरा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। 1958 में विनोद मेहरा ने फिल्म रागनी से बाल कलाकार के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा था। इसके बाद 1965 में फिल्म फेयर की तरफ से आयोजित एक टैलेंट हंट में वो सुपरस्टार राजेश खन्ना से हार गए थे। विनोद के करियर को आगे बढ़ाने में शक्ति सामंत की फिल्म अनुराग का बड़ा योगदान है। इस फिल्म ने विनोद को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। दादा, नागिन, जानी दुश्मन, स्वर्ग नर्क, अमरदीप, दो फूल, सबसे बड़ा रुपया आदि इनकी मशहूर फिल्में हैं। 80 के दशक में विनोद मेहरा को कई फिल्मों में अच्छे किरदार मिले लेकिन इन फिल्मों में जो मुख्य नायक नायिका थे वे सारी लोकप्रियता बटोर ले गए। बेमिसाल और खुद्दार की कामयाबी का लाभ अमिताभ को मिला और लाल पत्थर में राजकुमार, हेमा मालिनी विनोद पर भारी पड़े।